रामपुर के सांसद आजम खां के जेल जाने पर भाजपा नेता और आजम खां के सताए हुए लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए मिठाई बांटी। भाजपा नेता का सक्सेना ने कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले से सत्य की जीत हुई है और उन लोगों को के लिए सबक है जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बड़े बड़े पदों पर गैर कानूनी तरीके से बैठ जाते हैं और कानून को हमेशा अपना गुलाम समझते हैं। ये लड़ाई आगे भी इसी तरह मजबूती के साथ लड़ी जाएगी। वहीं फैसल लाला ने भी आजम खां पर जमकर प्रहार किया और कोसा, साथ ही खुशी जाहिर की। मिला है जो आजम खां ने हमें, हमारे बच्चों को, हमें इस उम्र में हमें जेल में मार के डरवाया है, जेल में पहुंचाया है। आज वो दिन हमें अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने दिखाया, कहले जुलम ढातु हमें जगह मिलनी है तो हमें मिलनी है, अब हमें मिल जाए जगह मिल जाए। अब बहुत जुलम ढाया आजम खां ने, बहुत बुरा करा हमारे साथ में। आज उनको, उनकी पत्नी को और उनके बेटे को जेल में भेज दिया है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? वो भी चला जाए, बच्चे भी चलेगा, या हमारे बच्चे मासूम मासूमों को मार कर भेजा तो हमारा अल्लाह ने, अल्लाह के भरोसे पर है। हमें इतनी खुशी हुई है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने हमें दिखाया, कले तुम हमारे ऊपर रही, अल्लाह ने ये सोचा इस उम्र में तुम्हें इतने धक्के दिए आजम खां ने, इतना जुलम किया आदमी उसने हमारे साथ में, बहुत बुरा सा सोचा, अच्छा ना सोचा, मगर अल्लाह ने सोचा। हमें बड़ी खुशी हुई है इस बात, बड़ी खुशी पैदा हुई है इस बात। क्या नाम है आपका? आले हसन। कहाँ रहते हैं आप? यतीम खाना बस्ती। आज आजम खां, उनकी पत्नी और उनके बेटे को जेल भेजा गया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? हमें सब कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा था, जिस तरह से हमारे घर उजाड़े गए, हम लोगों के ऊपर झूठे केस बने, आज तक लोग हमारे केसों में फंसे हुए हैं और आज न्यायपालिका से हमें इंसाफ मिला है जो हम चाहते थे। और हमें भी जैसे उनको खुशी हो रही थी हमारे घर तोड़ के, वैसे हमें भी खुशी हो रही है। और हमारी अभी जगहें बाकी हैं, अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारी जगहें भी हमें वापस मिलवा दें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। कहाँ रहते हैं आप? सराएंगे रोजाना आतिम खाना बस्ती। आज आजम खां, उनकी पत्नी और उनके बेटे को जेल भेजा गया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? जी बहुत खुशी है क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हो चुका था और आज उनके साथ मतलब हो रहा है, जाहिर साथ खुशी मिलेगी और बहुत खुशी है। आज आजम खां जेल में हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो ज़मीनी खुदा होने का अपने आप को दावा करते थे, जब उनकी प्रदेश में सत्ता होती थी तो वो इंसान को इंसान नहीं समझते थे, गरीबों के ऊपर जुल्म ढाते थे, बेगुनाह लोगों को जेलों में ठूसते थे चरस के मुकदमे लगाकर। आज हकीकी खुदा ने उनके साथ इंसाफ किया है, आज रामपुर वालों को इंसाफ मिला है। वो शख्स जो अपनी सत्ता के नशे में चूर होकर गरीबों को जेल में ठूसता था, आज उसके ऊपर न सिर्फ अदालत की लाठी चली है बल्कि ऊपर वाले ने भी उसको सबक सिखा दिया है, यह एहसास करा दिया है कि अगर तुम जमीन पर जुल्म ढाओगे तो एक ताकत ऊपर वाले की भी है। आज उनको एडीजे 6 की कोर्ट से जेल का परवाना मिला है, जेल जाएंगे आज आजम खां अपने पूरे परिवार के साथ। ये वही आजम खां है जिन्होंने न सिर्फ यतीमों की जगह पर कब्जा किया बल्कि किसानों की जमीनों पर कब्जा किया और नाजायज संपत्तियां इकट्ठी की हैं। तो आज ये रामपुर के अंदर बहुत खुशी का माहौल है और तमाम लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, इससे अच्छा माहौल रामपुर में नहीं हो सकता।